आ जाओ। पूर्वी बारिश आ रही है, यहाँ पानी बढ़ जाता है जल्दी। पूर्वी देख बारिश हो रही है, पूर्वी डूब जाएगी। पूर्वी पूर्वी जल्दी बाहर आओ। क्या था ये पूर्वी, पगला गई हो क्या तुम? अरे पानी का इतना भाव है और तुम्हें तुम्हें सिक्कों की पड़ी है, जीना चाहती हो कि नहीं तुम? जीना तो है पर अपने परिवार के लिए। चाचा 3 प्लेट पूरी भाजी देना। ये 10 रुपए हम अपनी किताब खरीदने के लिए बचा लेते। और 1 प्लेट चाहिए? अभी के लिए इतना ही काफी है। पूरी, पूरी। माँ को मत बताना कि हम नदी में कूदे थे। कैसी लगी ये पायल? अच्छी है, चांदी की है। सोने की लाता तो और कितनी अच्छी बचती। फिर पायल तो ले आया, अब बारात भी ले आ, वरना यही पायल पहन के भाग जाऊंगी किसी और के साथ। देखा, बोला था ना गिर जाएंगे पागल। तुम वहीं बैठो ऊपर। हटो तुम दोनों। बरसात का सब बर्बाद कर दिया। बरसात को क्यों कोसती है माँ? बाहर देख मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ऐसे मौसम में गरम गरम पूरी भाजी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। दीदी तू पागल हो गई है, मुसीबत के समय ऐसी बातें मत किया कर। घर में चारों तरफ पानी पड़ा है और तुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। सपने नहीं पगली, ये देख पूरी भाजी। पर तू ये सब लाई कहाँ से? वो मंदिर से माँ, वो क्या है ना, आज एक बड़े सेठ जी प्रसाद बांट रहे थे तो वो सब गरीबों को दे रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी ले आती हूँ। ये अमीर लोग भी अजीब होते हैं, पहले गरीबों का खाना छीनते हैं, रोनी को खाना बांटते हैं,
ये सब छोड़ना माँ, ये ले तो एक और पूरी ले। आखिरी पूरी बची है, ये ले माँ। मेरा पेट भर गया है, तू भी तो भूखी होगी ना। माँ मैं मंदिर से खा के आई हूँ, पेट पहले ही भरा हुआ है, अब तू जबरदस्ती खिलाएगी तो खामखा पेट दुखेगा, तू खा। बच्चे की भूख भगवान भी नहीं जानता जितना उसकी माँ जानती है, आई बड़ी, और खाऊंगी तो पेट दुखेगा, चल पकड़ खा इसे। अकेले खाऊंगी तो मन दुखेगा माँ, साथ में खाएंगे। उसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ माँ, ना वो पावर लूम की मिल लगाते और ना ही हमारे चरखे बंद होते और ना ही हम सबको ऐसे भूखे पेट सोना पड़ता। लोग कहते हैं कि साक्षी मिल के मालिक ना बड़े ही समझदार है, इंसाफ पसंद है उन्हें, लेकिन माँ जिस दिन मैं उनसे मिलूंगी ना तो उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछूंगी कि अपनी तरक्की के लिए हम लोगों की खुशियां छीन के कौन सा इंसाफ किया उन्होंने। बोलो क्या बात से? सरकार हम कुएं पे पानी पी रहे थे तो हमने अपना बच्चा जमीन पे रख दिया और ये आई और हमारा बच्चा चुरा के भागने लगी। सरकार झूठ बोल रही है, सरकार ये बच्चा मेरा है, ये चुरा के भागी थी मेरा बच्चा, बड़ी मेहनत से मैंने इसे बचाया है, इतना शोर बचाया कि सारे गांव वाले आ गए और मुझे गलत समझ के मेरे पीछे भागने लगे। नहीं नहीं सरकार, ये बच्चा हमारा है, ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, झूठ क्यों बोल रही है? बच्चा मेरा है। अरे फसाद की जड़ यो बच्चा से फैसला हो गया, यो बच्चे को लेकर नहर में बहा दो। ये क्या हो गया मुखिया जी को? गलती मेरी है, बच्चे को नहर में मत फेंकिए मुखिया जी, मैंने झूठ बोला था, बच्चा उसका दे, उसका ही बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है, उसको नहर में मत फेंकिए मुखिया जी, बच्चा उसको दे दीजिए।
अभी तो आधा न्याय हुआ से, पूरा होना अभी बाकी से। आज फैसला हम नहीं, जो बच्चे की माँ सुनावेगी। डर मत, बोल। इस झूठी मक्कार थारा बच्चा चुरा के भागने वाली को तू के सजा देना चाहती है? सरकार, इसे ना सारे गांव के सामने लाठी और पत्थरों से मारा जाए, इसके घर को जला दिया जाए और इसे जेल भिजवा दिया जाए, ताकि आगे से कभी भी ये ऐसी गंदी हरकत ना करे किसी के साथ। अब हुआ पूरा न्याय। जो बच्चा इस बंजारण का सर। ये क्या कह रहे हैं सरकार, ऐसे कैसे हो सकता है? ये इसकी माँ कैसे हो सकती है? अभी इसी ने तो कहा था कि ये इसकी माँ नहीं है। इसने जो अभी बोला, अपनी आत्मा पर पत्थर रख कर बोला। थारे माथे पर तो सिकंड तक नहीं आई और इसकी आत्मा कांप गई ये सुनकर कि इसका बच्चा भी मरने वाला है। अपने बच्चे की सलामती के खातिर ये अपने बच्चे को अपने आप से दूर करने को तैयार हो गई, और ये कुर्बानी एक असली माँ ही दे सके। अपने बच्चे के खातिर थारी दी हुई हर सजा भुगतने को तैयार हो गई। इसने साबित कर दिया यो बच्चे की असली माँ से। अब तू तैयार हो जा वो सारी सजा भुगतने के लिए जो तूने इसके लिए चुनी थी। इसे वही सजा दी जाए जो यो बंजारण को देना चाहती थी। ये क्या बात हुई दीदी, तो क्यों नहीं जाना चाहती शादी में? तेरी सबसे प्यारी दोस्त सुधा की शादी और तू नहीं जाएगी? किताब विताब छोड़ो, मेरी बात सुन, चले जाना शादी में। क्या पता तो जहाँ पे विपुल से भी अच्छा लड़का मिल जाए। पगली दीदी, नहीं जाना है प्रियु शादी में। तुझे पता तो है वैसे भी हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाएंगे तभी तो इस सबसे मुक्ति मिलेगी। दीदी लेकिन हमारे बारे में भी तो सोच, तू शादी में जाएगी अच्छा अच्छा खाना लाएगी, हम भी खाएंगे, चली जाना। खबरदार जो किसी ने उस शादी में जाने की बात भी की तो। तुम्हें क्या हो गया माँ, क्यों मना कर रही हो? कहा ना शादी में नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। अरे कैसे नहीं जाना, हम भी देखते हैं कैसे नहीं जाएगी शादी में, जब देखो किताबों में देखती रहती है। अरे कुछ ना रखा है इन किताबों में, बंद कर, कोई इनको पढ़ के कलेक्टर नहीं बन गई तू? सुनो ना, इसे वहां मत भेजो, तुम्हें पता है ना वहां पे क्या होता है। ए तू चुप कर, उन्हें चला रखा है इन दोनों को सर पे। अरे ये तो पैसे छुपाए हैं पूर्वी में। हमारी बात क्या छुपा रही है? पैसे छुपा रखे? नहीं पापा, झूठ बोल। पापा प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, ये छोड़ दीजिए पापा। हमारी बात हमारी किताबों के फिर से पापा। पैसे छुपा रखे? मत रो मत, तुझे पता तो है बाबा का। बोली जाती है जल्दी पानी दो और जल्दी देना। देख तुमसे नहीं बचेगा। आगे इतनी हुड़दंग मचा रखी है इन बच्चों ने। अरे आराम से गिर जाएगा, संभाल के। अंजलि सजना सवरना बंद कर और आ
इनको संभालते संभालते 28 की उम्र में 38 की लगने लगी हूँ। अब ये मेरे भी बस में ना आए। माँ आप ना बस एक काम कर दीजिए, मैं इनके लिए माँ ले आओ, काली गोरी भूतनी कोई भी चलेगी। अपनी शक्ल देख रहे हैं शीशे में, भूतनी तो तू लग रही है। भाई जी पानी घटक लो, नहीं फिर गले में फंस जाएगी ना। मामा सरकार खुश रहो। आज कैसे आना हुआ? वैसे ही जैसे पिछले 5 साल से आ रहा हूं, एक ही अर्ज लेकर। मन्ने माफ कर दो मामा सरकार, 5 साल पहले जो हमारा जवाब था आज भी वही से। अब जो चाहो मांग लो, पर मारे से ये ना हो सके। पानी तो सारा निकल गया, घर की हालत देखो सब खराब हो गया। तू चिंता मत कर माँ, थोड़े दिन की और बात है, जैसी मेरी पढ़ाई पूरी हुई कि फिर तो इसकी नौकरी लग जाएगी। हाँ, और जैसी मेरी नौकरी लगेगी ना माँ, फिर तू देखना हमारे पास एक बड़ा सा घर होगा, ढेर सारे कपड़े होंगे और खूब पैसे और अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। एक पूरी ले ले। नहीं नहीं भाई जी, पूरी नहीं रोटी ले लो। अरे एक पूरी ले। अरे इतना बीपी है। योग कैसे योगी? निमंत्रण पत्र है भाई साहब, वो हमारे पुराने मैनेजर है रघु बिहारी जी, उनकी बेटी सुधा का ब्याह है। फिर तो वीरेंद्र ने जाना चाहिए। माँ हम तो नहीं जाएंगे सुधा की शादी में, ना ही हमारा मन है और ना ही हमारे पास अच्छे कपड़े हैं शादी में पहनने को, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगी शादी में। वीरेंद्र ना जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए। अरे मुलाजिम की बेटी की शादी है, इसके पास टाइम कहाँ है? वैसे भी पूरे गाँव का सरपंच है, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ इसके सर पर, कपड़े की मिले हैं, 10-12 काम और संभाल के रखे हैं, इसलिए फिर ना जा पाएगा। और वैसे भी इतनी दूर है शादी, क्या गाँव का नाम है? वही। सुन योगी तू चला जा, वीरेंद्र ना जा पाएगा। अगर तू नहीं जाएगी ना तो बाबा फिर गुस्सा करेंगे और माँ को मारेंगे। बिल्कुल सही बोल रही है, मैं तो बस अपने बारे में ही सोच रही थी, माँ के बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर मैं शादी में नहीं गई तो बाबा फिर माँ को मारेंगे, इसलिए मैं शादी में जरूर जाऊंगी। मैं तो शादी में जरूर जाऊंगा, भले ही हमारा नौकर से, पर लगों ने 25 वर्ष हमारी सेवा करी से, हमारा फर्ज बनता है कि उसके सुख दुख में उसके साथ खड़े रहें। इस घर से एक इंसान को जाना है ना, और मुलाजिम की बेटी की शादी है, तुझे तो वैसे भी इतने सारे नियोते आते हैं, तेरे पास टाइम कहाँ होता है उनकी शादी में जाने का? हाँ, जिसने हमारी सेवा करने में पूरी जिंदगी लगा दी, क्या उसके लिए हम थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? पर हमारे मुलाजिम हमारा परिवार से, अब परिवार वालों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। अब मेरे जाने की तैयारी करो। लेकिन तेरे पास टाइम। प्रकाशी ये नौटंकी की क्या जरूरत थी? अरे अगर तू उसे सीधा सीधा भी बोल देती कि शादी में जाना है, वो तेरी बात टालता थोड़ी, तू माँ है उसकी। भाई माँ हूँ भाई जी, इसलिए जानती हूँ उसे बात कैसे बनवानी। अगर आपकी तरह बातें करती रहती ना तो 5 साल लग जाते उसे बात मनवाने के लिए। एक बात बोलूं, थारी मारी उम्र एक जैसी है,
हमारे को बीमारियां भी एक जैसी हैं, तुझे भी अस्थमा है मुझे भी अस्थमा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाला हम दोनों को एक ही साथ बुला ले? भाई जी, ये ऊट पटांग की बातें ना मत किया करो, कोई तो ढंग की बात कर लिया करो। तो ढंग की बात तो ये है कि इसकी शादी होनी चाहिए। देख, अगर तू इसे एक नौकर की शादी में जाने के लिए मनवा सकती है तो इसकी खुद की शादी के लिए इसे मनवा सकती है। बच्चों के बारे में सोच, बच्चों को एक माँ चाहिए, ये तू ही कर सकती है। भाई जी, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन कन्हैया वीरेंद्र की अपनी मर्जी है, उसकी अपनी जिंदगी है, बालक तो है ना, बड़ा है, समझदार है, इसलिए इस बात में मैं उसके बीच में नहीं पड़ूंगी। सविता, खाना लगा। ओए, मर गई क्या? भूख लगी है, खाना लगा। दारू पीकर आयो, धीरे बोलो, चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा, ये मेरा घर है, किसी के बाप का घर नहीं, समझी? यही तो कर रहे हो इतने बरसों से, घर में बच्चे भूखे और इन्हें दारू पीने की पड़ी। पीता हूँ अपने पैसे की, पीता हूँ किसी के बाप के पैसे के नहीं, समझी ना? अपने पैसे, बेटी की किताब के पैसे थे जिसकी शराब पीकर आ गए। बेटी नहीं, बोझ है सीने पे हमारे। जिसे बोझ बोल रहे हो ना, वो घर का ख्याल रखती है। और हम क्या करते हैं? ये घर मेरा है, मेरी मेहनत से चलता है, समझी? उसका ख्याल रखने से नहीं। बाबा के झगड़े ना चैन से जीने देंगे और ना ही पढ़ने देंगे। दीदी, एक बात बताऊं तुझे, ये झगड़े तो ऐसे ही चलते रहेंगे, इस चक्कर में तू अपनी पढ़ाई खराब मत कर। आज इतवार है और आज के दिन मिल पे कोई भी नहीं आता, तू वहाँ जाके पढ़। तू सही बोल रही है प्रियू, मैं एक काम करती हूँ, मैं मिल में जाकर ही पढ़ती हूँ। अच्छा सुन, माँ और बाबा को जरूर बता देना कि मैं मिल कर। अच्छा दीदी सुन, एक मिनट, आज छुट्टी के दिन वहाँ पे चोर चक्के भी आते हैं, तो संभाल के जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं मिलती हूँ तुझसे। आप लोग आगे चलिए, मैं मिल का मुआयना करके सीधा शादी में बैठता हूँ। वीरेंद्र जरा जल्दी आना शादी में। जी। पांच साल लग गए, इतने लंबे इंतजार के बाद मारा सपना पूरा होने जा रहा है। साक्षी मैडम, ये बड़ी मिल बनाने वाले ने इतना तक नहीं सोचा कि इसकी वजह से कितने लोगों के रोजगार छिन जाएंगे, इसी की वजह से मेरे बाबा का काम भी छूटा, नहीं तो आज बाबा के हाथ लाखों मारने की जगह काम पे लगे होते। छुट्टी के दिन वहाँ पे चोर चक्के भी आते हैं, तो संभाल के जाना। प्रियू सही बोल रही थी, ये चोरी है, तभी तो बंदूक लेके आया है, अब क्या करूँ, कैसे बचूँ इससे, हे भगवान। कौन से
सामने आ। लड़ा मत, गोली मार दूंगा। कौन से तू? मैंने पूछा कौन से तू और यहाँ क्या करने आई से? चोरी करने आई से क्या? थारे मुंह में जवान से के नहीं? बोल! यो किताबें किसी मजदूर की होगी। मैं उसे चोरनी में पकड़वा के रहूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वरना मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह नहीं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.